अमेजोन जैसी वेबसाइट और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे और यह हम बना सकते हैं। ये मोबाइल व्यूज का ये सेशन है, आप यहाँ मोबाइल व्यूज भी इसका बहुत अच्छा लुक एंड फील है कि आप मोबाइल व्यूज में आप बिल्कुल इसको इजीली इसको देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल व्यूज में दिखेगा। और ये जो है आपका वेबसाइट का होम पेज है, होम पेज बड़ा खूबसूरत सा है, लुक लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह से, फ्लिपकार्ट की तरह है ये। और यहाँ पे एक बिल्कुल एज इस तरह से जैसे कि फ्लिपकार्ट में मेंशन किया हुआ है, इस तरह से यहाँ पे एक अपना स्लाइडर सिस्टम भी है, मल्टी स्लाइडर सिस्टम है। यहाँ पे कुछ टैब्स वगैरह हैं, ये बैनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से स्लाइड्स हैं, इसके जरिए चीजें हैं। इसके अगर कैटेगरी पेज की बात कर लें तो कैटेगरी पेज आप लुक लाइक अमेजोन जैसे वीडियो है इस तरह का आप देख सकते हैं। तो कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कैटेगरी दिख रहा है। और यहाँ पे वेरीफाई सेलर वेरीफाई है नहीं है या वेरीफाई किस तरह से नहीं है उस काम करेगा दिखेगा। और इसमें पीडीएफ बिल वगैरह आप देख सकते हैं, पीडीएफ बिल भी इसके अंदर मेंशन है कि ये कैटेगरी प्रोडक्ट है। ये आपका सिंगल प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, सिंगल प्रोडक्ट आपको इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको दिखेगा पूरा आप ए टू जेड, आप यहाँ पे जो भी आप ऑडियो वीडियो जो भी कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा रिव्यू वगैरह जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है। यहाँ पे उसका बाय नाउ का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन है इसका। यहाँ पे जूमर का जो सिस्टम है, जूमर का सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जूमर का बड़ा खूबसूरत सा जूमर का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से क्लास कर सकते देख सकते हैं। इसके बाद आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर लेके आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर लाने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय फ्रॉम दिस सेलर, ये फ्रॉम दिस सेलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहला आएगा कि आप एज ए अगर कोई कूपन वगैरह तो कूपन वगैरह दे सकते हैं, या फिर शॉपिंग पे एड्रेस डालना चाह रहे हैं आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपका पेमेंट मेथड है वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बस बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट का नाम होगा, ये जिप कोड, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे आपका कोई भी जो सिटीज है वो सिटीज आप यहाँ पे चूज करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, इसके बाद यहाँ पे इंटर एफिलिएट और अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, या अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं मगजमारी, ठीक है। चाहे मैं इसको डाल लेता हूँ, पूरा फिलअप कर देता हूँ और देख लेता हूँ ये अकाउंट मैंने क्रिएट कर ली है, तो इसके लिए विदाउट अकाउंट इसका क्रिएट कर देता हूँ। तो ये आपका ऑर्डर इस तरह से सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सीओ जो ऑर्डर मैंने दिखा दिया है, कंटिन्यू टू शॉपिंग पे जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एक प्रोसेस था मैंने आपको दिखाया।